अतीत के दर्पण में उभरती परछाइयां। पिछले कुछ वर्षों से ही कला प्रेमी जनता का ध्यान वार्ली पेंटिंग की ओर आकर्षित हुआ। इस आदिवासी कला के डोरे धागे मूलभूत प्रवृत्तियों से जुड़े रहते हुए भी अंशतः आधुनिक शैली से प्रभावित होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों द्वारा भी इसका आभास होता है। इस प्रेरणा का आधार क्या है? सरलता से वार्ली समाज की विचारधाराएं आधुनिक पृष्ठभूमि तथा वातावरण को अपना लेती हैं। चित्रशालाओं, दफ्तरों, यहां तक कि कंप्यूटर कक्षों में भी इनका स्थान है। जीवन का अर्थ समझने का प्रयास ही कदाचित कला संबंधी चिंतन का आधार है। वार्ली पेंटिंग किसी विशेष दार्शनिक तत्व का प्रतिपादन नहीं करती, फिर भी उसमें चित्रित पौराणिक कथाओं को देखकर मन में एक जिज्ञासा जाग उठती है। आखिर हैं कौन ये वार्ली? बंबई के उत्तरी क्षेत्र जिला थाना स्थित सह्याद्री पर्वत के आंचल में बसे ये आदिवासी सदियों से एकाकी जीवन जी रहे हैं। समय के प्रगतिवादी कदम इस कुमारी वनस्थली की ओर भी बढ़ी और वृक्ष पूजन संबंधी इनकी धार्मिक मान्यताओं को अपने साथ बहा ले गए। आज भी वार्ली दूर एकांत में निवास करते हैं। कभी कभी कोई यात्री इन सुनसान राहों पर चलता हुआ दिखाई पड़ जाता है। झोंपड़ियों के छोटे छोटे झुंड इनके साधारण जीवन की कहानियां सुनाते हैं। पिसाई कुटाई तथा अभावपूर्ण जीवन बिताना ही इनकी दिनचर्या है। मनुष्य और पशु दोनों की परिस्थिति एक जैसी है। आदिवासियों का उत्साहपूर्ण जीवन वातावरण की उदासी दूर भगा देता है। वार्ली चित्रकला वहां के परंपरागत रीति रिवाजों का दर्शन कराती है। चित्रों में विविधता होती है, सीधी सादी कल्पनाओं पर आधारित होते हैं ये चित्र। आकार, बिंदुओं, त्रिकोणों आदि के संतुलन के फलस्वरूप इसने एक प्रतीकात्मक शैली का स्थान ले लिया है। विवाह के रीति रिवाजों के दृश्य अनेक झोंपड़ियों पर दिखाए गए हैं। अच्छी चित्र आणखीन काही तुमच्याकडे आहेत का? आहेत, घरात आहेत, बघायला मिळते हो, बघूया हो। ठीक काय ते चित्र त्याची तुम्हाला आमच्या लग्नाच्या हे करतात आणि ते जो नवरा नवरी असतो ना तिथे त्यांचे खाते इथं विवाह के रीति रिवाजों के दृश्य अनेक झोपड़ियों पर दिखाए गए हैं। चौक में गोबरपुती दीवारों पर चावल के आटे से जगत जननी देवी पाल घाट की दर्द घर गृहस्थी और परिवार के लिए मंगल कामना तथा प्रार्थना आदि के चित्रों का प्रदर्शन। जब विचारधाराएं जन्म लेती हैं तब उनके साथ साथ अनेक प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगते हैं हम अनजाने तत्वों तथा प्रतीकों के माध्यम द्वारा। ऐसे रूखे जीवन में
कला को शक्ति कहां से मिलती है? ये काय आहे त्याची माहिती पाहिजे मला. तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल त्याचा कारागिरी आहे का ह्या घराच्या पाठीमागे आहे. समकालीन प्रसिद्ध चित्रकार जीव्या सोमा माशे की कुटिया. जीव्या सोमा के बेटे बालू और सदाशिव. जब से वारली चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है, ये युवा कलाकार चित्रकारी में बुद्धिवादी मोड़ लाने का प्रयत्न कर रहे हैं. तकनीकी दृष्टिकोण तो पहले जैसा ही है, किंतु चित्रशालाओं और प्रदर्शनियों के लिए कागज का उपयोग हो रहा है. पारंपरिक चित्रकारी तो उनके जीवन का एक स्वाभाविक अंग बन गया है. आम्ही काय भिंत तयार करून घेता का? हो, ती भिंत आम्ही पहिल्यांदा शेण लावतो. दीवारों पर गोबर या लाल मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है. लाल माती का. ती चित्र तुम्ही कुठल्या रंगाने काढता? ती चित्र आम्ही तांदळाच्या पिठाने काढतो. पाणी बाणी घालतो. चावल का आटा या चूना चित्रकारी का माध्यम बनाया जाता है. पौधों की टहनी या धान के डंठल ब्रश का काम करते हैं. बारीक एकदम टोप करतो. चित्रकारी के लिए विषय और दृश्य आसपास का वातावरण देता है. आकार और रूपरेखा प्रदान करती है प्रकृति. चारों ओर बिखरी हुई छोटी सी दुनिया में मनचाही वस्तु मिल जाने पर मन आनंद विभोर हो उठता है. पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, पशु पक्षी सारे चित्रकला में समा जाते हैं और बिना अपनी पहचान खोए भिन्न भिन्न आकारों में बदल जाते हैं. काल्पनिक तथा पौराणिक कथाएं हर दृश्यावली एक भव्य आकार में परिवर्तित हो जाती है. प्राचीन काल में वारली शिकारी हुआ करते थे. तब तीर कमान उनके हथियार थे. उस समय अधिकतर जानवरों, शिकार के दृश्यों आदि का ही चित्रण किया जाता था. धीरे धीरे जंगली क्षेत्रों की सीमाएं घट जाने के फलस्वरूप वारली समाज के लोग छोटे मोटे किसान या खेतों में काम करने वाले मजदूर बनकर रह गए. समय बीतने के साथ साथ इस परिवर्तन का प्रभाव वारली चित्रकला पर भी पड़ा. बहुत से किसान अपने चित्रों में हल और बैलों की जोड़ी दिखाने लगे. खेत खलिहान, बदलती हुई ऋतुओं और कृषि संबंधी किसानों के कामकाज के दृश्य दिखाए जाने लगे. Thank you.
पेड़ों की जगह अनाज के अंकुरित पौधों तथा उनके गठरों में ले ली। जंगली जानवरों की स्मृतियां धुंधल होने लगी। सांप और मेंढकों के चित्र बनने लगे। घरेलू जीवन की गतिविधियां और झोंपड़ियों का चित्रण होने लगा। आदिवासियों के घूमते फिरते समूह रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। खेतों में या बस्तियों के आसपास दैनिक जीवन की साधारण झलकियां एक आनंदमय वातावरण का प्रदर्शन करती हैं। जीवन की कार्य प्रणाली तथा परिस्थितियों में बदलाव आ जाने के बाद भी कला आज तक अपनी प्राचीन विचारधारा से जुड़ी हुई है। सीधी सादी रेखाओं से कलात्मक आकार तैयार किए जाते हैं। दो त्रिकोणों के मिलाप से आदमी का चित्र बनाया जाता है। दो समानांतर रेखाओं द्वारा घोड़े का आकार दिखाया जाता है। जीवन की परिवर्तनशील गति की तरह रास्ते में चलने वाले लोगों की दौड़ धूप का चित्रण भी किया गया है। चित्र में सीधी सादी कल्पना का कलात्मक वर्णन वाली शैली की विशेषता है। दूसरे क्षेत्रों के चित्र भले बदल गए हैं, लेकिन परंपरागत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित शादी ब्याह के चित्र आज भी वही हैं। ऐसे समारोहों का चित्रण अधिकतर महिलाएं करती हैं। ब्याह के अवसर पर पेड़ पौधों में निवास करने वाली फलदायिनी देवियों की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। साथ ही एक चौकोर क्षेत्र में पंचशीरिया है, पालघाट देवी का रक्षक और मार्गदर्शक। परंपराएं नहीं मिटती, किंतु समय के बढ़ते हुए कदम परंपरा में नए मोड़ लाते हैं। बदलती अनुभूतियों से प्रवाहित होती हैं नई विचारधाराएं, जो कला को आधुनिक रूप प्रदान करती हैं। वारली आदिवासियों की भावनाओं और जीवन शैली को समीप से देखने के बाद वारली चित्रकला की विशेषताओं पर अधिक प्रकाश पड़ता है। रेखाओं, आकार और प्रतीकों के माध्यम द्वारा जीवन और कला साथ साथ प्रवाहित होते रहते हैं। दोष रहित आकार, सीधी सादी रेखाओं द्वारा अभिव्यक्तियां जन जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराती हैं। स्वर और तालों से ध्वनित होने वाला संगीत दिन रात वातावरण में गूंजता रहता है।
सवेरा होते ही उठ जाता है वर्णी चित्रकार, अपनी स्पष्ट रेखाओं में उतार लेता है हर्षोल्लास तथा आनंद के वो क्षण चित्र जिनके द्वारा हमें उनकी जीवन संगति की अनुभूति होती है।